तो अभी भाई को 4 साल हो गए हैं, काफी करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुके हैं, तो बहुत सारे, बहुत कितने सारे इकट्ठे कर लिए मैंने। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है राहुल और आप सब देख रहे हैं आरडी व्लॉग्स। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। एक भाई है यहाँ पे जो कि 4 साल से सिक्योरिटी में, अभी उसने रिसेंटली रिजाइन दिया है, तो अभी घर पे जा रहा है। तो मैं बोला थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे, तो वो अभी आपको मिलवाते हैं मिस्टर रोहित से, जो जिनको मैं काफी लंबे समय से जानता हूँ। भाई कितनी देर हो गई आपको जानते हुए। करीबन करीबन 2-2.5 मिनट हो गए होंगे हमें। हाँ भाई, तो करीबन 2-2.5 मिनट से मैं भाई को जानता हूँ, तो चलिए मिलवाते हैं। मजाक की बात है, काफी लंबे समय से जानता हूँ, जब से मैं अबू धाबी में आया हूँ। तो आ जा भाई रोहित। और भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई, हैंडशेक अलाउड तो नहीं है वैसे कवर में। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई स्टार्ट करो, बताओ थोड़ा अपने बारे में, कैसे यहाँ पे आए, सिक्योरिटी में क्या कुछ है, थोड़ा बहुत बताओ, थोड़ा अंदर आ जाए फ्रेम नाम के। मेरा रोहित, रहने वाला हूँ लुधियाना का। तो बेसिकली हो गए मेरे को 4.5 साल यहाँ पे यूएई में। तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड इंडिया में रिक्रूटमेंट के लिए इनके वो एजेंसीज हैं जो इंटरव्यू वगैरह लेती हैं, जो यहाँ पे आपको भेजती हैं वहाँ पे, कि सैलरी 50,000 है, 70,000 है, 80,000 है, ऐसे आपको बताते हैं वो। तो वहाँ पे मैंने भी ऐड देखी थी एक। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करना है, तो उसने बोला कि चलो मुश्किल नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐड से आप सीधा जाओगे वहाँ पे, आपको कोई आपकी बात नहीं सुनता है, आपको कोई ना कोई एजेंट बीच में डालना ही पड़ेगा, जो आपसे, उसने एक लिमिटेड अमाउंट है जो कम से कम तो 1 लाख या 1,10,000 रुपये उसने वो लेने लेने हैं, और वो पैसे दोगे तो ही इधर आओगे, तो उसके अलावा कोई बेसिकली आप ऑप्शन। ये बताओ कि आपका यहाँ पे आने का खर्चा कितना हुआ, क्योंकि मोस्टली एजेंट कभी कोई ज्यादा बोल देता है, कभी कम बोल देता है, तो आपका बेसिकली खर्चा मैंने कितना हुआ? मैंने खुद अपने आप अपनी जेब से 1,10,000 रुपये दिए हैं, 1,10,000। 1,10,000 दे के मैं इधर आया हूँ। पर ये है कि हाँ, 15 से 20 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था, अच्छा। और मेरे को आज भी याद है कि मैं 6 जून 2016 को इधर आया था फ्लाइट लेके दुबई में, जहाँ पे इन्होंने हमें, दुबई में इनका कैंप है, उन्होंने वहाँ पे रखा हमें। वहाँ पे 15 दिन हमारी ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद हमें यहाँ पे अबू धाबी में लाया गया। तो अबू धाबी में यहाँ पे आने के बाद हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सिक्योरिटी वो जॉब शुरू। इसे वो तो यहाँ पे मतलब जब आप अबू धाबी में, अगर आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पे, पीएसबीडी होती है ना, पीएसबीडी, अभी दुबई जो में अभी दूसरा है, दुबई में क्या क्या नाम उसका, सहरा है। सीरा सीरा, दुबई में जो एक ट्रेनिंग होता है जो पुलिस लेती है यहाँ की, दुबई में बोलते उसे सीरा और अबू धाबी में बोलते उसे पीएसबीडी। और पीएसबीडी में अबू धाबी में ज़्यादा सैलरी भी है, कितनी, 500 ज़्यादा सैलरी है ना। हाँ तो 500 दिरहम, अगर आप अबू धाबी में सिलेक्शन होता है तो आपको 500 ज़्यादा सैलरी है, और दुबई में 2270 ट्वेंटी टू है। सेवेंटी है यहाँ पे, 2770 है। हाँ, तो सिर्फ 500 दिरहम का फ़र्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है ये भी यहाँ पे, यहाँ पे खर्चा ही बच जाता है। और तो अभी आप ये बताओ एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे आने के बाद, दुबई में आने के बाद ड्यूटी कितने दिनों में लग गए थे, क्योंकि काफ़ी लोग पता है क्या है, मतलब परेशान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आते और देखते हैं कि यार ड्यूटी नहीं लगा रहे, ड्यूटी नहीं लगा रहे, वो घर पे चले जाते हैं, ऐसे काफ़ी बंदों के साथ हुआ है। तो भाई एक बार बता, ड्यूटी कितने दिनों में, क्या भाई कुछ है? जैसे 5 जून 2016 को आया था, तो मेरे को आज भी याद है, मैं 10 अगस्त 2016 को ड्यूटी चला था, पहला दिन मेरा ड्यूटी का था वो। मतलब जुलाई अगस्त, 2 महीने, दो ऑलमोस्ट महीने 1.5 महीना लग गया था, क्योंकि पहले आके जो दुबई में ट्रेनिंग है वो अलग है, उसके बाद फिर यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे आके वेट करना पड़ता है, वेट करने के बाद फिर यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग करने के बाद लाइसेंस आता है, लाइसेंस आने के बाद ये लोग जॉब शुरू करवाते हैं, और जॉब शुरू करवाने के बाद आपको सैलरी जो है वो 2770 मिलनी शुरू होती है। यहाँ पे ये भी है कि जॉब ऐसे है कि अगर तो आप पूरा महीना काम करते हो तो आपकी सैलरी आएगी भाई 3200-3300 ऐसे, इंडियन कितने हो गए बता जब, इंडियन ऑलमोस्ट 65,000-66,000 के आसपास। मतलब और 60,000 प्लस आपकी सैलरी आएगी अगर आप 30 डेज काम करते हो, तो तो अगर अगर आप, आप 26 डेज काम करते हो तो कितनी आएगी, तो आएगी 2770। 2770 आएगी भाई, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे छुट्टी के लिए काफ़ी लोग बोलते हैं हमें छुट्टी क्यों दे रहे हाँ, छुट्टी नहीं हैं। मांगते तो लोग। छुट्टी कोई नहीं मांगता, यहाँ सारे काम में बिजी रहना पसंद करते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी में इतना हैवी वर्क तो नहीं होता है। तो अभी एक बात बताओ, मोस्टली मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, वो बोलते हैं कि यार सिक्योरिटी में टफ हो जाता है काम करना, क्योंकि स्टैंडिंग ड्यूटी है, ये ड्यूटी है, तो उसके बारे में थोड़ी बताओ कैसी ड्यूटी होती है वो तो सिक्योरिटी यार डिपेंड करता है कि आपको लोकेशन कौन सी मिलती है। अब सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी बैंक में भी होती है, सिक्योरिटी यहाँ पे होटलों में भी होती है, सिक्योरिटी यहाँ पे की? बीच पे भी होती है, सिक्योरिटी वहाँ पे रेजिडेंशियल जो एरिया होते हैं वहाँ पे भी होती है, हर जगह पे सिक्योरिटी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब मिलती है, कहाँ पे आपको जॉब मिलती है, तो उस हिसाब से आपकी ड्यूटी होती है। 12 घंटे की ड्यूटी बोल के लेके आते हैं, 1 से 1.5 घंटा ट्रैवलिंग लगा लो, उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट लगा के चलो कि आपको 14-14.5 घंटे लग जाते हैं भाई।
तो दूसरी सबसे मेन बात आती है, काफी लोग पूछते हैं कि कुकिंग वगैरह क्या करता है, खाना पीना का कैसा सिस्टम है, वो खाने पीने के बारे में बताओ कि जो आप अबू धाबी में अभी यहाँ पे रह रहे हो, खाने पीने का क्या सिस्टम है यहाँ पे? भाई जन्नत में है, जिंदगी में 4 साल हो गए बाहर से खा रहे हैं खाना, रोज बाहर से खाते हैं, जो दिल होता है वो खाओ, अपने आप पे डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट खर्चा आता है एक टाइम के खाने का यहाँ पे, अगर नॉर्मल खाना खाओगे तो 5 से 6 दिरहम के आसपास, तो एक टाइम का खाना है ये। तो मतलब अगर 3 टाइम खाओगे तो 15 दिरहम मैक्सिमम, 15 दिरहम 15 दिरहम। और जैसे कि ट्रांसपोर्ट फ्री है, कैंप में रहना मतलब रहना सहना सब कुछ फ्री, खाना फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, कुछ भी खर्चा नहीं है कुछ भी, अगर आपका खर्चा है सिर्फ खाने का। और खाने का कितना? 15 दिरहम पर डे, 15 दिरहम भी कौन खर्च करता है, 10 दिरहम में हो जाता है, 10 दिरहम में ऑलमोस्ट आपका हो ही जाएगा 10 दिरहम का, मतलब महीना कितना 300 दिरहम का खर्चा है महीने का खाने का, और हर चीज़ का लगा लो भाई, ऊपर से नहाने बर्तन साबुन वगैरह का मोस्टली ये लगा लो 5000 दिरहम, 5000 नहीं 500 दिरहम का, 500 दिरहम का खर्चा है भाई। तो 500 दिरहम में आपका काम चल जाएगा यहाँ पे, यानी कि इंडिया के 10000 रुपये। और अभी अबू धाबी में सैलरी 60000 है, तो 10000 काट के 50000 बच ही जाते हैं। तो अगर आप सिक्योरिटी में हो, इंडिया से हो, तो 50000 रुपये ईजिली बच जाएंगे आपके बिना किसी प्रॉब्लम के। 500 भी आपके बहुत, अगर ज़्यादा खर्चा करोगे तब लगेंगे, क्योंकि मोस्टली 300 रुपये का खाना हो गया, 50 रुपये का इंटरनेट हो गया, और क्या खर्चा, और 50-100 दिरहम अगर ऊपर के खर्चे लगा दें वो लगाओ बस। हाँ थोड़ी बहुत जिमिंग वगैरह, कोई हमारे जैसे फालतू शौक रखता हो तो कैमरे वगैरह लेने में भी खर्चा हो जाता है। अपना जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आने के लिए वो है 10th चल जाती है, बस आपकी थोड़ी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो इंटरव्यू लेने आते हैं, क्योंकि ये लोग इंटरव्यू लेने इंडिया में आएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सवाल पूछते हैं लोग, तो आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंट होकर उस चीज़ का जवाब देना है उनको। अगर आप वो सही से दे पाते हो तो ऑब्वियसली आपका अच्छा ही है। मेन बात ये है 10th पास होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलने आनी चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत समझ भी जाए, थोड़ा बहुत बोल भी पाए, बाकी यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो ही जाता है। यहाँ पे आने के बाद तो अभी अरेबिक भी फिट हो जाती है। तो अभी भाई को 4 साल हो गए हैं, काफी करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुके, तो बहुत सारे इकट्ठे कर लिए मैंने। कितने करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए भाई 4 साल में? यार अगर सोचा जाए तो देखो 50000 रुपये महीना कमाया कम से कम मैंने, तो 4 साल हो गए, तो 1 साल का 6 लाख रुपया हो गया भाई, 12 महीने 50000 के हिसाब से 6 लाख रुपया, 4 साल का 24 लाख रुपया, ठीक है ऐसे आता है। ठीक है सुनने में ऐसे ही लगता है कि इतने कमाए हैं, ऐसे है वैसे है, पर जो खर्चे होते हैं, जो अभी हर महीने घर पे पैसा डालना है या कुछ भी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी में आने का, कोई आदमी कहे ना कि हाँ भाई मैं 5 साल के बाद अपना 30 लाख रुपये कमा लिया मैंने, उसमें से मैं 30 में से अगर मैं 15 खाऊंगा तो 15 बचा लूंगा, नहीं तुम नहीं बचा सकते। पर हाँ ये है कि सिक्योरिटी में आने के बाद तुम्हारा घर का खर्चा बड़े अच्छे से चल जाता है, तुम्हारा अपना खर्चा अच्छे से चल जाता है, और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। कोई मिडिल क्लास से है तो वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है, अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। बाकी ये भी है कि अगर शौक पूरे करने हैं तो उसमें टाइम लगता है, सही हर चीज में टाइम लगता है, धीरे 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 होते हैं। कोई बोले यहाँ पे आके कि हाँ भाई एकदम से आके बस पैसे 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 पैसे, वो काम नहीं है, वो काम नहीं है। और जैसे कि आप दुबई में आते हो, दुबई में आओगे तो आपको शुरुआत में पैसे खर्चना मतलब थोड़ा ये होगा, यहाँ पैसे ना लगाऊं, वैसे यहाँ पे आओ अच्छे से पैसे खर्च करो, थोड़े बहुत लेके भी आओ, क्योंकि आते ही साथ कंपनी पैसा कुछ नहीं देती, आते साथ कम से कम नहीं तो आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे ड्यूटी शुरू होने के, कम से कम नहीं तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कंपनी से कि आपको कंपनी सैलरी देगी पूरी। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, कम से कम मिनिमम 1000 दिरहम तो आपको लेके आना चाहिए, अगर आप अच्छे से 2-3 महीने काट सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से खा पी सकोगे। 1000 चाहिए कम से कम चाहिए, क्योंकि हर महीने अगर आप लगा के चलोगे अपना 200-300 खाने का होगा तो 3 महीने का इतना आ जाता है, पर 3 महीने में आपकी सेटिंग इतनी बैठ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि सुपरमार्केट में क्या चीज कितने की है, दूध का कैन कितने का है, शुरुआत में ड्रिंक तो 1 दिरहम की चाय भी, अगर शुरुआत में आप आओगे 1 दिरहम की चाय है और 20 रुपये की चाय, वो भी महंगी लगेगी आपको, वो भी महंगी लगेगी, अरे यार 1 दिरहम की चाय कैसे पी लूं मैं, एक वो 5 रुपये का बिस्कुट आता है वो भी 1 दिरहम का, 1.5 दिरहम का, 2 दिरहम का, ऐसे ऐसे मतलब भाई काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा, काफी कुछ मतलब इंडिया से काफी चीजें महंगी भी है, काफी चीजें सस्ती भी है, ड्राई फ्रूट सस्ते है, प्रोटीन सस्ता है, और काफी इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते है, लेकिन ये चीज़ अपने को घर जाने के टाइम में काम आती है, लेकिन जो डेली एक्सपेंस है वो थोड़ा महंगा ही है। जैसे एक फॉर एग्जांपल आलू का परोठा है, आलू का परोठा 5 दिरहम का है, 5 दिरहम मतलब 100 रुपये का, 100 रुपये का आलू का परोठा है, और वो भी ठीक ठाक ही है मतलब। तो मतलब ऑल ओवर देखा जाए सिक्योरिटी बेस्ट है। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सही है आपके पास, बाकी आप
भाई को पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे को पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, भाई इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दे ही देगा। स्क्रीन पे यही गेम पे आ रहा होगा, तो आप देख लेना जहाँ पे भी आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना भाई का इंस्टाग्राम, अगर कोई क्वेश्चन हो तो भाई से पूछ लेना, डायरेक्टली पूछो, आप जब मर्जी मैसेज करो, हर चीज का जवाब दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जितने हमारे भाई कल को आना चाहते हैं यहाँ पे, उनको सारी इन्फॉर्मेशन हो, अगर उनके माइंड में कोई डाउट है, कुछ भी है ऐसा, तो वो पूछ लें, तो बताने में हमें खुशी ही है। और बस यह बात है, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, अपनी बस भी आने वाली है। बिल्कुल, तो अभी मॉल में जा रहे थे, बस का वेट कर रहे थे, अभी टाइम नहीं हो रहा था, अभी 8:30 बज गए, अभी फटाफट बस में निकलते हैं और आपको मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखते हैं मॉल में अगर शूट करेंगे तो देखते हैं, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। यस, थैंक यू वेरी मच, बाय। तो मतलब वो बीच में कट दे देंगे ब्लैक ब्लैक, तो सेकंड थिंग दिखा देंगे।